किसके लिए देगा? किसके लिए? बॉल पेन के लिए। हाँ, बॉल पेन के लिए। किसके लिए? बॉल पेन के लिए। नहीं नहीं, ये लॉन्ग रूट है। ऐसे पूछो किसके लिए लेना है, ये किसके लिए लेना है? बॉल पेन के लिए। चलो चलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाईवे राइडर। और आज मैं आया हूँ मॉर्निंग राइड के लिए। गुड़गांव सोना के पास एक दमदमा लेक है। उस दमदमा लेक से जस्ट 5 किलोमीटर पहले एक मंदिर है। गांव से पहले बहुत ही सिंपल छोटी सी जगह है, ज़्यादातर लोग आते नहीं हैं यहाँ पर, और काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है यहाँ के बारे में। और यहाँ पर मैं पहले आ चुका हूँ, कई साल पहले मैं एक बार आया था यहाँ पर, तो अब मैं सेकेंड टाइम फिर से आया हूँ इधर। तो राइड के लिए आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, और अपने हेलमेट्स और बैग हमने एक फ्रेंड के पास रख दिए हैं। उसका घर यहाँ से थोड़ा पहले ही है, हवेली टाइप का उसका घर है, बहुत ही अच्छा, जो कि मैं आपको अभी वापस जाते हुए दिखाऊंगा। और अभी हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं वो जगह ठीक इस पहाड़ी के ऊपर है, एक छोटा सा टेम्पल है जो कि यहाँ से करीब करीब 1 या 2 किलोमीटर आगे है। चुके हैं इस हिल के ऊपर, और यहाँ पर अभी काफ़ी ड्राई ड्राई हमें लग रहा है, क्योंकि जब मैं पहले आया था तो मैं मानसून के सीज़न में आया था, उस टाइम यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी थी, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पे रेड रेड कलर का रेत दिखाई दे रहा है मुझे, और झाड़ियाँ भी काफ़ी सूखी हुई है, मतलब बिल्कुल ड्राई टाइप का है इधर मौसम अभी। इस पहाड़ी के ठीक पीछे दमदमा लेक है, जो कि एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है दिल्ली और NCR के आसपास। यहाँ से तो खैर वो दिखाई नहीं देता क्योंकि काफ़ी सारी झाड़ियाँ हैं, और यहाँ से सीधा आप जा भी नहीं सकते, इसके लिए आपको वापस मेन रोड पर जाना पड़ेगा और वहाँ से 5 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। तो ओके, हम लोग पहुँच चुके हैं सामने अपनी डेस्टिनेशन पर। ऊपर एक शिव मंदिर है, मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में एक झील है जिसमें मैं कई साल पहले आया था, तब थोड़ा सा ज्यादा पानी होता था इससे, बट इस टाइम पानी काफी कम लग रहा है इसमें। काफी बड़ा नीम का पेड़ है यहाँ पर। यहाँ पर एक और छोटा सा मंदिर है जो संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर ही है, और शायद अभी न्यू बना है।
ये सारी गाय हमें देख के तो नहीं आ गई इधर? हाँ पीछे जंगल में जा रहे हैं। ये जगह बिल्कुल अननोन प्लेसेस में है और यहाँ पर आप ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों का मजा ले सकते हैं, क्योंकि मेन हाईवे से ये करीब करीब 5-6 किलोमीटर अंदर है ये जगह। यहाँ पर काफ़ी सारी गाय भी मुझे दिख रही हैं जो कि यहाँ के लोकल लोगों की हैं और यहीं पर रखते हैं जिन्हें वो। और यहाँ पर देसी चाय चारपाई का मजा ले सकते हैं, बोनफायर सभी चीज अवेलेबल है। ये गाय एकदम से डिफेंस मोड में आ गई थी जैसे ही बछड़े की तरफ में चला। सनलाइट थोड़ा कम है, नहीं तो व्यू और भी अच्छा होता, बिल्कुल क्लियर होता, लेकिन अभी कुछ फॉग टाइप में दिख रहा है हमें आगे। एक्चुअली ये प्रॉपर फॉग भी नहीं है, ये कुछ पोल्यूशन भी है। दिल्ली और एनसीआर में पोल्यूशन की बड़ी प्रॉब्लम है ये। ये सैंड वैसी है सेम जैसी मैंने जैसलमेर में देखी थी, बालू रेत, और यहाँ पे बाइक बहुत स्लिप करती है इसमें। ओके, तो मैं आ चुका हूँ मेन रोड पर। अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे निकल के हम लोग अपने फ्रेंड के पास रुकेंगे, कुछ देर वहाँ रुकने के बाद दिन वापस हम दिल्ली जाएंगे। सो मैं पहुंच चुका हूं अपने फ्रेंड नवीन के घर के आसपास, और आई थिंक आई एम स्टक। सो मेरे फ्रेंड नवीन का घर काफ़ी पुराने टाइप का है, हवेली टाइप का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस हवेली के अंदर ये जो रूम है, इस रूम में एक कमर्शियल एड की शूटिंग भी हो चुकी है अमूल माचो की, जिसमें एक बड़ी से पलंग को वो जला देते हैं, इस तरह का काफ़ी लोगों ने देखा उस एड को। और ये मेरे जो फ्रेंड हैं उनके ग्रैंडफादर हैं, उनकी फ़ोटो है, लेट श्री मेजर प्रभु दयाल, आर्मी में थे रिटायर्ड। वही पुराने गेट, पुराना लुक, पुरानी दीवारें, सब कुछ विंटेज।
सामने आप देख पा रहे हैं न्यू ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो कि आज भी यहाँ पर यूज होता है। किसके लिए देगा? किसके लिए? गोल पेन के लिए। हाँ, गोल पेन के लिए। किसके लिए? गोल पेन के लिए। नहीं नहीं, ये लॉन्ग रूट है। ऐसे पूछो किसके लिए लेना है, ये किसके लिए लेना है? गोल पेन के लिए।